बताने से पहले मैं एक चीज़ सॉरी बोलना चाहती हूँ आप सबसे कि मैंने जो वीडियो डाला था वो अच्छा नहीं था और एकदम अनक्लियर था। तो चलो मैं क्लियर और अच्छी तरह से कर दूँ, क्योंकि फिर इसको क्लियर करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इट्स अ फर्स्ट टाइम इन अ न्यू स्कूल, ये हमारा पहला दिन है नए स्कूल में। अ न्यू लाइफ अवेट्स यू, ये तो वही बात हुई कि हम एक्साइटमेंट है, हम लोग को स्कूल जाना है। तो मैंने पुराने वीडियो को डिलीट कर दिया था। चलो क्या डिस्कशन चलता है, मेरी कैरेक्टर देखो। प्रिंसिपल सर डैड बोलते प्रिंसिपल सर से मिल के आ जाओ एंट्रेंस टूर पे, थोड़ा सा एंट्रेंस टूर कर लेना और किसी को वेट मत करवाना। मैं बोलती हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ डैडी, मैं कभी वेट नहीं करवाऊँगा, चलो देखते हैं हम आपको मिलते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है जो आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये सब चीज़ें अगर आपको इंटरेस्टेड है तो। चलो एक बंदे से तो मिल लूँ, चलो ये रनर है, मैं इससे जिससे मिलना चाहता हूँ। चलो इसने मुझे चैलेंज कर दिया कि आप मुझे रनिंग रिकॉर्ड में हरा सकते हैं। भाई साहब बोले 30 सेकंड में, क्या एक्सेप्ट करते हो? हम बोलते हाँ क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं। चलो 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 ओ अरे यार ओ मैं हार ना जाऊं, हार ना जाऊं, अरे हार जाऊंगी मैडम जी, आराम से आ जाऊंगी हार जाऊंगी, जीत गई। ओ भाई साहब आप तो मुझे इम्प्रेस्ड हो गए, मैं तो ज़्यादा था मैं कर पाऊँगा। चलो प्रिंसिपल सर से मिलने से पहले थोड़ी गेम्स तो खेल ले। पिछले बार मैंने आपको डायरी में पढ़ के सुनाया तो था, ओ मैडम जी संभल के, पर वो डायरी में इतना मज़ा नहीं है जितना मैं सोची हूँ, क्योंकि मैं आपको बाद में वो डायरी के बारे में बताऊँगी। चलो इस कैरेक्टर के हिसाब से हम देखें हम कहाँ पहुँचेंगे। अरे रुको भाई रुको, ओ हमारे भाई साहब बोले चलो ये तो मजाक नहीं है, मुझे वही गेम में लेकर चलो गेम एरिया में चलो। हम तो बोलते ठीक है 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 ठीक है। ओ या एक डायरी मिल गए, मैं आपको डायरी बाद में पढ़ के सुनाती। वैसे भी इस डायरी में बहुत कुछ ऐसा है जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस डायरी में बहुत कुछ अनम्ब्रस है, वीडियो में वायरल हो जाएगा ये डायरी हम नहीं डालेंगे। कैफेटेरिया पे चले चल के हम लोग पहले सबसे डिस्कस कर ले। हेलो मैडम जी आप कैसे हैं? ओ जब आप बड़े हो जाओगे तो आप प्रिंसिपल कॉम्पेट की तरह बनोगे, वाह 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 वाह, ठीक है ओके मैडम जी। और आप? ओ ये तो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद करती हैं, रेड या ब्लू? हो आप पे सूट होता है, आप पे तो ब्लू भी सूट होता है, आप पे तो रेड भी सूट होता है। सच बोल रहा हूँ। अरे सजी कहाँ जा रहे हो? अरे सजी रुके। हाँ आ क्यों बोर्ड हो, बात तो करो मुझसे। सजी क्यों भाई आप बिजी क्यों हो, एक तो बोर हो रहा है एक तो बिजी। चलो ये भाई साहब से बात करते हैं। हाय भाई साहब आप मुझे बोले हो कि आप श्योर हो कि आप कि मैं आपको बीट नहीं कर सकता, बोले कि आप ट्राई करना चाहते हो, गलत साबित करना चाहता हूँ इसलिए ट्राई करता हूँ। ये हाई स्कूल इन स्पेस है, ये हुक्सअप हाई स्कूल हुक्सअप वाला गेम है, हुक्सअप स्पेस। आपको कई बार भी मिलेगा नहीं ऐसा गेम जैसे आप मैं खेल रही हूँ। और बेसिकली इस गेम के लिए ना लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, पर आपकी मर्जी, तो आप डाउनलोड करो नहीं तो रहने दीजिए, आपको कौन सा टेंशन है भाई। तो मैं एक बार हरा दो, अरे स्को देखो 500 के ऊपर, ओह स्को तो मेरी तो अच्छे ही है और अच्छे होने चाहिए, जल्दी करते हैं हमें स्कोर को बढ़ाने के लिए। ओहो 780 800
जल्दी कीजिए 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 जल्दी 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 जल्दी। हाँ, मुझे 3,000 के आसपास बनाना है, 3,000 के आसपास बनाना है। अरे हाँ, 1,400 हो गया। जल्दी करते, जल्दी 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 कम ऑन, जल्दी करते, चलिए जल्दी 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 जल्दी। इस पर टाइम नहीं लगना चाहिए, हमें इन शैतानों को हराना है, इस एलियन को हराना है। और मैं जानती मतलब मैं जानती हूँ कि कोई हरा नहीं सकता मुझे इसमें, क्योंकि अगर अगर मुझे कोई हरा दिया, हाई चैलेंज जीत के ये स्कोर भी करके दिखाओ कितना स्कोर कर सकते हो। 5,000-6,000 के ऊपर आपने स्कोर किया, आई एम हैप्पी टू बिलिंग इट, अदरवाइज मैं कभी भी ये नहीं बोलती स्कोर करके दिखाओ एंड ऑल। मैं तो क्या कहूँ यार, जल्दी कर लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अरे जल्दी करो ना यार, जल्दी 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 जल्दी। अरे यार, मेरी गली में जल्दी करो, हमारी गली में तो आना ही है। अरे यार जल्दी करो ना, अपने प्रिंसिपल सर से भी तो मिलना है। हाँ, 3,000 हो गए, वाह। अब 500 चाहिए मुझे, 500 का एक स्कोरिंग हो रहा है ना, तो कितना मज़ा आता होगा। ओहो, जल्दी 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 100, ओए होए होए होए, ये तो होना ही था। आराम से, जितना आसान लगता है उतना मुश्किल है इन सबको करना, क्योंकि इन सबको हराना ही मुश्किल है। ए बी लैट्स बिना गवाए, लैट्स अ चैलेंज, ये किसी के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि इसको संभल के खेलना ही होशियारी है। जल्दी खेला जाए, जल्दी 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 मुझे करवा देगा। देखो, लड़की की भी जान बचा लिया, मैंने 4,000 का स्कोर भी कर दिया, मैंने एक को बीट कर दिया, अब मैं तो आगे हूँ ही। मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। अरे जो हरा दे वो हरा दे, क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे। जल्दी 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 जल्दी। ओए होए, ये तो मेगा रोबोट से भी खतरनाक है। जल्दी करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, हरा दिए, ओ ये देखो 5,000 का मिल गया हम लोग को। अब हमें खेलना नहीं है, हमने से बीट कर दिया, देखो मैंने तो तुम्हें साबित भी कर दिया। हाँ, आई नो आई बेटेड यू। चलो प्रिंसिपल सर के, ओ मैंने सबसे बात भी तो करना है यार। हाँ भाई साहब, क्या बोलना चाहते हो? आई लाइक यू हेड नॉट, ओ माई गॉड, आप मेरी कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे या फिर मुझे तकलीफ दे रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। गो ऑन। और आप भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैं क्या नहाता नहीं, मैं क्या भैंसे रहता हूँ? बोले कि भाई मैं इतने समय से यही शर्ट पहन कर बैठ रहा हूँ एक हफ्ते से, ये लोग से बात करना ही तकलीफ है। तो चलो एक समय पे चलते हैं प्रिंसिपल सर से मिलने। प्रिंसिपल सर पूछे कि आप वही बैन राइट हो जो कैनेडियन ट्रांसफर स्टूडेंट हो? मैं प्रिंसिपल गॉबेलेट हूँ। प्रिंसिपल सर की मैम हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका निक नेम है ब्लैड ईगल, उनका रोल है अनोइंग डिसिप्लिन, ग्रेजुएटेड फ्रॉम ग्रीनफील्ड हाई स्कूल। ये सको देखो, ये अपने ग्रेजुएट हुए हैं, ये ग्रेजुएट हुए हैं। हाँ देखो, और इनको बहुत पसंद है, फुटबॉल पसंद है, रोमांटिक डिनर्स पसंद है, सेंटेंसिंग किड्स टू डिटेंशन, बड़ा बड़े ख़राब है ना प्रिंसिपल। उनको हेट क्या है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन और पीटी मीटिंग्स। अरे बैंड टीचर मीटिंग नहीं होगी तो किसकी मीटिंग होगी, आपके वाइफ के साथ? ये बुक कोटर क्या है? सफ़र टुडे एन्जॉय टुमारो, ये अच्छा है, ये कोटर देखने को मिलेगा।
तो बोलते वेलकम टू ग्रीन फील्ड हाई स्कूल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू योर टूर गाइड शीना। शीना मैडम आप आ रही हैं, आ गई शीना मैडम। हम तो बोलते हैं हम आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शीना मैडम बोले गक। चलो शीना मैडम के बारे में हम बताते हैं। उनका निकनेम है रकून और उनका रोल है लोनर। स्कोप क्या है? नो बड़ी श्योर, पर वो बिचारी को ही ड्रॉप आउट एज अ चाइल्ड, मतलब बिचारी को छोड़ ही दिया है। उनको पेलकिंस पसंद है, लाइट लिक्विड आईलाइनर पसंद है, पंक रोल पसंद है और स्केरी कैट्स। और उनको नफरत क्या है? स्माइली से। ये बुक में क्या लिखा है? जस्ट प्रिटेंडेड नो आई एम नॉट हियर, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट अ थिंग इज। वो बोलती हैं मैडम जी बोलती हैं कि मैं ये इतना समझ लूँ कि मैं इधर हुई नहीं, मैं ऐसे करती हूँ। वाह वाह, डोंट वरी अबाउट हर, शी नोज द कैंपस वेल, शी रिपीटेड लास्ट थ्री ग्रेट टाइम्स। ये तो लूजर लिख लिया यार, लास्ट थ्री, व्हाट अ थिंग इज यार। हम तो 3 साल के बाद भी ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो तो लास्ट 3 ईयर्स में ऐसे घूम रही है एज यूजल। और बोलते हैं अगर तुम्हारा काम हो गया तो मेरी ऑफिस में आ जाना, कुछ बातें चलना करना पड़ता है एक नए स्टूडेंट के साथ। वाह 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 वाह, अरे प्रिंसिपल से कहाँ गए? वो बिचारी बोलती है लेट मी क्लियर, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ और मैं होना भी नहीं चाहती। बोलते हैं नए लोगों को स्कूल दिखाना उसकी उनकी एक सज़ा है, उनकी पनिशमेंट है। और उन्होंने डेस्क चलाया था लास्ट ईयर, व्हाट अ थिंग इज यार। तो बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए कुछ? और हमारे कैरेक्टर बोलते हैं कि इतना समझ लो कि मैं तुमसे कभी पूछूंगी भी नहीं, बस बिजी रहती हूँ लोगों को दिखाने के लिए और मैप वैप मैं दे देती हूँ। गुड लक, इस ईयर भी तो तुम निकाल लो। अब चलो मैप मिल गया, चलो देखते हैं कैसे एक्सप्लोर करते हैं। हम तो सोचते हैं कि कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे मैप पढ़ा जाए। ठीक है, उन्होंने बोला एक बैकपैक मिलो, उन्होंने बोला एक लेफ्ट और राइट का ऐसा की करके ओके करो। एक मैप आया, आपको जाना है वो भी बताएगा। 5 बिल्डिंग है, ये है जिम, ये है क्लासरूम जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, और यह है एंड कैफेटेरिया जहाँ पर मैं गई थी, ये ऑडिटोरियम है, ये लाइब्रेरी है, और ये मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव जहाँ पर मार्क किया है बिग स्टार जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। स्पेशल कैरेक्टर को रेड मार्क ही किया जाता है। हमें कुछ ना यूजफुल टिप्स मिलेंगे, नहीं तो कुछ मिशंस मिलेंगे। इस गेम का यही रूल है। और इसमें साइड चैप्टर में हम रिटर्न ऑफ द गेम। तो चलो प्रिंसिपल सर से मिलने चलते हैं। तो चलो हमारा पहला काम वहीं पर है क्योंकि हम नए लोग हैं, नए लोग का कोई पूछता नहीं है। चलो चलते हैं। एक सेकेंड, मुझे यहाँ रुकवाया है क्यों है? प्रिंसिपल सर हमारे बोलते हैं मैडॉक्स, ये बहुत हो गया, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। अरे मैडॉक्स बोलती है तो बड़ी बेशर्मी से कि हमारा कोर्स अभी भी स्टार्ट हुआ है। अब बोलती है हमने आधा फायर एस्टिंगाइज भी ख़त्म किया है। एनीवेज तो बोलते हैं मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता, कि सामने आए ना तो मुँह फोड़ दूंगा। चली जाओ। प्रिंसिपल सर हमारे चले जाते हैं। चलो हम तो मिलने चलते हैं प्रिंसिपल सर से। बोलते हैं प्रिंसिपल सर बैठ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोलते हैं भाई आराम से बैठो, हमारे मन में चलते हैं, हमारे कैरेक्टर के मन में ये चलता है एक्ट स्मार्ट, नहीं तो ये आदमी या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो बोलते हैं मैंने तुम्हारे रिव्यूज ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी और बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, पर तुम बड़े शहर से हो, बहुत डिस्ट्रक्शन से, क्या तुम्हें ग्रेट पॉइंट एवरेज मीटिंग कर पाओगे? तो मैं तो ये तो चुनूंगी ही नहीं, इसे चुनना भी नहीं है क्योंकि ये अच्छा स्कोर नहीं है। नहीं ये भी सही नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल सर के यहाँ पर हम गलत जवाब नहीं दे सकते। ये सही है, ये हम बोलेंगे इसे एक रैप डिजर्व होना चाहिए। स्टडी इज माई मिडल नेम बिकॉज विदाउट डैट आई हैव नो क्लेम टू फेम। ये तो बहुत सही है, सर ने बोला वही, ये बहुत सही है। सब पर टुडे जो तुम्हारा तो काम है, ये तो हम सब का काम है। आज ही थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, कल तुम एंजॉय करो, ये हमारा मोटो है, हम लिख के रखे। मैं भी इस पर प्राउड करता हूँ क्योंकि उसने रैप पे भी क्या बोला था, अगर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना मेरा स्टडिंग मेरा मिडल नेम है क्योंकि उसके बिना मेरा फ्रेम नहीं। ओहो, बोलते हैं तुम्हारी माँ भी यहाँ पर पढ़ी है और वो बहुत ब्रिलियंट है, और हम दोनों काफ़ी अच्छे हम लोग क्लासमेट्स हैं। तो बोलते हैं ओहो थैंक यू,
आपने मुझे बता दिया, वो तो मन में सोच रहे कि अच्छा वो थैंक यू बता दिया, मॉम है इनकी इनकी नज़र पे, अच्छा है ओके बी पोलाइट, हमें और अच्छे से रहना है। और बोलते हम ये दोनों नहीं बोलेंगे, उनको लगेगा कि हमसे भी ऐसे समझते लिखा है। नो नो शी नेवर मेंशन दैट, एंड यू आर लॉट ओल्डर देन हर, नहीं श्योर शी टोल्ड मी टर्म्स ऑफ अ फनी एंटर्स लाइक एट अ टाइम यू कॉपीड हर एग्जाम, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि डांट पड़ जाएगी। और ये हम बोलेंगे ऑफ कोर्स शी नेवर शट अप अबाउट दिस प्लेस, दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर, ये हम लिख सकते हैं और हम डाल सकते हैं। चलो बोलते हैं ये बहुत पुरानी समय थे, हम लोग कितने हार्डवर्किंग करते थे, बहुत पुराना टाइम। बोलते सॉरी मैंने उनके बारे में लाया और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ओ शायद मैं सोचता हूँ कि वो मिस्ड हो गया, अगर कोई वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो पिज़्ज़ेरिया साइन गिर गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। सॉरी बोलते शी वॉज अ मॉडल स्टूडेंट, वो तो मॉडल स्टूडेंट रह चुकी हैं, आई एम सॉरी मैं नहीं बोलना चाहिए था सॉरी। तो बोलते हैं हम तो ये डालेंगे इट्स ओके शी वुडंट वांट अस टू बी सैड हियर, या तो ये हम बोलेंगे आई ऑलवेज रिमेंबर हर लाइक दैट टाइम शी सैंग इन द शावर एंड ब्रोक द ग्लास, ओ माय गॉड ये तो बहुत डेंजरस है, या तो बोलेंगे नो वरीज आई स्टडीड बुद्धिज्म एंड शी प्रोबेबली रिकॉग्नाइज्ड एस एस काउन बाय नाउ ही दैट रिडीम्स, हम ये तो नहीं डालेंगे, हमें थोड़ा सैड डालना है क्योंकि प्रिंसिपल सर के सामने तो हमें इंप्रेस तक करनी है। बोलते ये मॉम वुड प्रोबेबली वॉन्टेड स्ट्राइक फॉर एक्सेलेंस, तुम्हें माँ तो स्कूल में भेजना ही चाहते थे इतने टाइम से, कि तुम्हें हाई स्कूल चाहिए था, तुम्हें पता था हाई स्कूल चाहिए था तुम्हें पूछ से। तो बोलते सही में बोलना बहन, हमारे मन में ये हो रहा है। बोलते आई एम नॉट श्योर, हम तो ये चुनेंगे भी नहीं, आई एम नॉट श्योर टू बी हॉनेस्ट, मैं इतना नहीं श्योर हूँ, मैं सिर्फ कैनेडा में लेना रहना चाहता हूँ और सिंपल लाइफ, ये तो हम बोलेंगे आई हैव सो मैनी इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट है हाँ कि दिमाग में हम रख नहीं सकते, क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यार डेफिनेटली आई नीड टू फाइंड अ विमेन विद मनी टू मैरी, इज दैट रियली एनी अदर वे, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे क्योंकि हमें बेस्ट करना है। बोलते हाँ हाँ यू जस्ट फुल ऑफ एनर्जी, इट्स ग्रेट टू सी, वेल यू हैव टू मेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिस ईयर, ये तो बहुत सही है, द हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स अभी यही बोलते हैं, बट एवरीथिंग विल वर्क आउट, ये तो सही है, वही हमेशा बोलते तुम्हें खुद डिसाइड करना है डिसाइड करना है डिसाइड करना है। तो बोलते तुम मैं बता सकती थी तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, हॉनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स तुम्हारे ग्रुप में हैं, तुम्हारे स्टूडेंट्स में हैं, हमारे स्टूडेंट्स में ठीक है, हमारा पहला लेवल वन हो गया क्लास नर्ड का। बोलते कहाँ नया सिटी नया स्कूल, कहाँ तुम जाना चाहते हो नए स्टेज पे तुम्हारे नई लाइफ पे, सोशलाइजिंग करना चाहते हो स्टडी में फोकस, हम तो भाई हम तो सोशलाइजिंग करना चाहते हैं, हमें पहले फ्रेंड्स के बारे में जानना है क्योंकि हम डायरेक्ट क्लासरूम में नहीं घुसते ना, हमें पहले फ्रेंड्स के साथ सर्कल रहना पड़ता है फिर हम स्टडी में घुसते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें एम्पायरमेंट में ही रहना है। तो वेल देन यू विल मीट सम नाइस पीपल इन द कैफेटेरिया, जस्ट डोंट फॉरगेट अबाउट योर होमवर्क, वो हो भाई टीचर हो या फिर प्रिंसिपल ये तो कभी भूलना ही नहीं कि भाई होमवर्क करना ही नहीं है। चलो पहले मैं शीना से ही बात करता हूँ, हेलो शीना मैडम, या हम कभी फ्रेंड्स रहे भी नहीं सकते, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, शीना मैडम बोलती हैं, ओ ठीक है समझ गया आप, मैं नहीं देखूँगा। तो चलो एक और जगह पे चलते हैं, कैटलिन, हे एक्सक्यूज मी इज एनीवन सिटिंग हियर, कोई यहाँ पर बैठ रहा है, कैटलिन मैडम बोलती हैं, मेरी इनविजिबल फ्रेंड यहाँ पर बैठने आ रही है, कौन इनविजिबल फ्रेंड है यहाँ पर मैं ये नहीं समझ पाई। कैटली मैरमले, उनकी निकनेम में प्रिंसेस, रोल है मोस्ट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, उनका स्कोप है ऑलवेज गेट्स व्हाट शी वांट्स, वाह 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 एकदम प्रिंसेस की ही ट्रेट्स है, जो चाहिए तो मिल जाता है और वो हमेशा अच्छा स्कोर करती है, हमेशा कन्वर्टेबल। चलो उनको क्या पसंद है, फैशन मेक्स, बिग हुप्स इयर रिंग्स, बिग हुप्स इयर रिंग्स
जिसको वो पहनी रहती है उनको पेज आश प्लीज भी पसंद है ओहो, और उनको क्या नफरत है, कलर टैटू स्किनी पिग्स बॉयज स्मेल ओहो हो, ये तो पूरी लड़कियों वाली ट्रेट्स है। ये बुक है एज इफ कुछ भी। ये स्काइपी, स्काइपी मैडम ने कहा सही बोला, गुड पॉइंट है, गुड वन है। तो स्काइपी बॉक्सर, निकनेम है डेवा फेसिस, उनका रोल है ब्लड स्कर्ट और उनका स्कोप है क्रेजी बुक्स स्मार्ट, बट वो छुपाती है क्योंकि प्रिंस को ऐसा लगता है कि वो फैशन के अलावा बाकी सब में इंटरेस्ट लेती है, इसलिए वो सबसे छुपाती है। उनको पसंद है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, फ्यूशिया लिपस्टिक एंड फ्रेंच क्लासेस। ओ माय गॉड, फ्रेंच क्लासेस, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। उनको फेट क्या है, बॉयज जो जीन्स नीचे पहनते, जीन्स नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसे, सिर्फ शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं, पंक बैंड्स बांधते और उनकी ईयरबुक कोटर में लिखा स्टे क्लासिक। बहुत सही चलो जाने दो। हे देयर, हाय सिड भाई बोलते हैं, क्या रे मुझे हाय क्यों को बोला है, अगर तू ऐसे देखेगा तो तेरी आँख ना शैतान की आँख के बराबर कर दूंगा, चल ऐसे निकल। सिड भाई के बारे में मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ, सेरिस्कोपिक, उनकी निक नेम है स्नेक, उनका रोल है डर्ट बैग, बहुत बेकार रोल है। स्कूप क्या है, उन्होंने आग लगाया था लास्ट ईयर, चिल्ला चिल्ला के वो है डा प्लेन करके उन्होंने आग लगा दी थी पूरी क्लास को। उनको क्या पसंद है, लाउड मोटरसाइकिल्स, मेटल बैंड्स, टीचर जो उनकी तरफ नहीं पर दूसरे की तरफ देखे वो ही पसंद है। हिट्स क्या है, एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अथॉरिटी, उन्हें ना रिप्रेजेंटेटिव बनना अच्छा नहीं लगता किसी अथॉरिटी का क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये बुक में क्या लिखा है, डू आई नो यू, आई डिडंट सो थिंक सो, सोचे मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे नहीं लगता तो मैं तुम्हें जानता हूँ। चलो ओ हमारे कैरेक्टर जी को बोलते ओ चलो, हे देयर आई एम न्यू हियर, बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ बैठना चाहते हो। ये है कार्टर बटलर, निकले में किंग कार्टर। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कार्टर बटलर बोलूँ या किंग कार्टर बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो मैं एक मिम बना के नहीं रख सकती, पर एक चीज़ मैं जरूर कमेंट करके कह सकती हूँ कि कार्टर बटलर या फिर किंग कार्टर कह लो, उनका सरनेम तो बटलर ही रहेगा ना ओके उनका रोल है रिच किड, ओके उनका स्कोप है कि वो किसी किसी जगह के राजकुमार है, वोहू किसी जगह के फॉरेन जगह के राजकुमार है जो कभी किसी को पता ही नहीं। चलो बता देते हैं, उनको स्पोर्ट्स कार्स पसंद है, डिज़ाइन क्लोथ्स पसंद है, गर्ल्स पसंद है। ओ माय गॉड, ये तो सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा यही अलग है क्योंकि हेड्स का कहते गर्ल्स हु डोंट गिव हिम द टाइम ऑफ डे, ये तो हर लड़कों की बड़ी तकलीफ है, अगर लड़के उन्हें टाइम ही नहीं देंगे ना, लड़के लोग चिड़ी जाते हैं, वो इनमें ही है ओके यार कुट कैन दोस्त लकी इनफ टू बी माय फ्रेंड, नो हु यू आर, ओहो जो लकी है वही उनका फ्रेंड बने चाहे वो कोई भी हो, ओहो। रोमन, रोमन ने क्या कहा, आई एम श्योर यू हैव अ प्लेस इन दिस वर्ल्ड बट इट्स नॉट विद द कूल पीपल, अरे तुमसे तो अच्छे थे ना मेरे स्कूल वाले थे, कूल पीपल की ही तरस जाते थे, मैं तो इतना समझती हूँ। वो बोलता है कि ये जगह पे सिर्फ पागल लोग रहते हैं, कूल लोग नहीं। ये चिढ़ता है रोमन वॉट्सकी, ये चिढ़ते हैं, इनका निकने में बस, इनका रोल है बुल्ली, वो तो बुल्ली कहते ही है, और इनका स्कूप हैज बीन स्टीलिंग लंच फ्रॉम हिज क्लासमेट्स इन किंडरगार्टन। ये तो होना ही है, बुल्ली करने वालों का एक ही इशारा आता है कि मैं उनका आइटम चुरा लूँ, क्या बोलते हैं उनका खाना, उनका टेस्टी खाना। तो लव क्या कहते हैं, पीबीजे सैंडविचेस, हाई फाइव सैंडविचेस अनफॉर्मस अनफॉर्म्स और स्टब बेयर नेम टेडी। हिट्स क्या कहते हैं, एयरप्लेन सीट्स पोएट्री और डॉक्टर विसिक्स, ये तो सबको नफरत है। ये बुक कोटेड पार्टी रिंस रिपीट, ओहो ये तो होना ही है, बोलते हमारे भाई साहब सब लोग यहाँ पर एक्सक्लूडली फ्रेंडलीसनेस है, मतलब मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊँ, सब फ्रेंडली तो
बोलते हैं स्कूल से भी एक जंगल है, कैसे मैं रह पाऊँगा इधर। हमारा पहला रेपुटेशन कंप्लीट, हमारा पहला चैप्टर फर्स्ट डे, और रेपुटेशन गेन है 120। चलो हमारी रेपुटेशन भी गेन हो गई। अगले दिन देखो, तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि इस वीडियो को कमेंट के बगैर आप भी नहीं रह सकते। थैंक यू।